तुझको ना देखू तो जी घबराता है, तुझको ना देखू तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा नाता है, एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में, और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी के लिए राम सिंह यादव जी के बुक से हम आज नया चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है एकिक नियम यानी यूनिटरी मेथड। यह नया चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर के बारे में मुझे ही पता नहीं था, लेकिन क्वेश्चन बनाने आता है और आपसे ही बन जाएगा, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बहुत अच्छा अच्छा इसमें क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 18 रुपये का पार्ले जी है, एक पार्ले जी के दाम 3 रुपया है, तो पार्ले जी की संख्या बताइए, यही से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें थ्योरी ज्यादा नहीं है, थ्योरी ज्यादा नहीं, कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन समझ में आएगा, देखते रहिए। चलिए एक नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक नंबर क्वेश्चन कहता है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिन के लिए कितने केले की आवश्यकता होगी। दोस्तों दिया हुआ है दर्जन में, आपसे संख्या पूछ दिया है कि 48 दिन में कितने केले की आवश्यकता होगी। ध्यान दीजिएगा, एक सप्ताह के लिए 28 दिन का केला है, ठीक है, 28 दर्जन केला है। एक सप्ताह में दोस्तों होता है 7 दिन, कितना होता है 7 दिन, 7 दिन के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता है। 28 दर्जन दोस्तों, एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 12 से गुना कर दिए तो यह केला की संख्या हो गया। ऐसे 28 दर्जन था, 12 से गुना करने के बाद में यह केला की संख्या हो गया। आपसे पूछ लिया कि 47 दिन का बताइए कितने केले की आवश्यकता होगी, तो 47 दिन का निकलना है, 47 दिन 47। तो देखिए 28 × 12 बट्टा ई वाला 7, 28 × 12 / 7 किए ना, तो 1 दिन का निकल गया, और 47 दिन का निकलना है तो 47 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 100% का मान निकलना रहता है तो 100 से गुना करते हैं, 47 का मान निकलना है तो 47 से गुना करेंगे, 7 × 4 = 28। ठीक है, अब गुना कीजिए, 4 × 12 × 47, तो पहले 12 से इसमें कर दीजिए, 12 × 7 = 84 हासिल 8, अब 12 × 48 8 कितना 56, और फिर गुना में 4 है, फिर 4 से गुना कीजिए, 4 × 16, 4 × 6 = 24, 1 = 25, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 25, 4 × 5 = 20 और 2 = 22, यानी 2256 केलो की आवश्यकता होगी। बात समझ में आया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है दोस्तों। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 टोकरी 45 दिनों में बनाते हैं तो 110 टोकरी कितने दिनों में बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 15 टोकरी कितना दिन बनाता है, 15 टोकरी 45 दिनों में बनाता है, 45 दिन में, तो आपसे पूछ दिया गया है तो बताइए 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे। 110 टोकरी बनाने के लिए पूछा है, तो 45 बट्टा में 15 कर देंगे तो एक टोकरी का मान पता चल गया कि एक टोकरी बनाने में कितना दिन लगेगा, 110 टोकरी का मान निकलना है तो 110 से गुना कर दीजिए, 15 × 45 3 × 110 यानी 11 × 33 और 10 यानी 330 दिन लगेगा, कितना दिन 330, तो आपका आंसर हो जाएगा 330, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। स्कूल की परेड में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 9:7 है, बी से बॉय, लड़का के बॉय लिख रहे हैं और लड़की का जी से गर्ल। ठीक है, अनुपात जो दिया है 9:7 यानी 9 लड़का है तो 7 लड़की है, इस संख्या का रेशियो है। ठीक है, संख्या का रेशियो, अनुपात पढ़ चुके हैं पीछे। ठीक है, तथा लड़कों एवं लड़कियों की संख्या कुल 256 है,
दोस्तों लड़का एवं लड़कियों की संख्या 256 दिया है, तो अनुपात में लड़का एवं लड़की को देख लीजिए कितना है, 9 और 7 16, अनुपात में कुल लड़का लड़की 16 गो है, जबकि रियल में क्वेश्चन करा है कि 256 है, तो बराबर 256 लिख दीजिए। अनुपात एक का वैल्यू पता कर लीजिए, 16 एकम 16 और 9 6 16 16 96, अनुपात एक का वैल्यू चला गया 16। आपसे पूछ लिया गया कि लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़कियाँ अनुपात में कितना 7 और अनुपात एक का वैल्यू 16, तो 7 का वैल्यू कितना 16 7 112, यानी 112 को लड़की है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सीमता 25 टोकरी 15 दिन में बुनती है, तो 110 टोकरी बुनने में उसे कितना दिन लगेंगे। ध्यान दीजिए, अभी पढ़े हैं, सीमता जो है ना 25 टोकरी बनाने के लिए उसे 35 दिन लगता है, मतलब 35 दिन में बुन देती है, तो 110 टोकरी बनाना है, 110 टोकरी का मान निकलना है कि कितना दिन में बना देगी। तो देखिए 35 बट्टा में 25 कर दिए, तो एक दिन का मान, एक टोकरी का मान पता चल गया, 110 का मान निकलना है, तो 110 से गुना कर दीजिए, 5 5 25, अब 5 से कर जाएगा 22 5 110 होता है, 2 5 10 2 5 11, ठीक है, 5 से कर जाएगा 7 वर्ग, तो 22 से कितना होता है 154, 7 × 14 = 4, 7 × 14 = 15, हाँ 154 होता है, यानी 154 दिन लगेगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। भाई साहब टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, मैन इंटू डेज होता है कुल काम की मात्रा, मैन इंटू डेज होता है कुल काम की मात्रा, और कुल काम में मैन से भाग दीजिएगा तो दिन की संख्या पता चल जाएगा, और दिन से भाग दीजिएगा तो मैन की संख्या पता चल जाएगा। कहने का सेंस यहाँ यह है कि मेरे खेत में 4 दिन का काम है, और 4 जन प्रतिदिन जा रहा है, और 4 दिन काम किया, तो 4 दिन और 4 जन 4 × 16, यानी मेरे खेत में 16 जन के काम के बराबर है, ठीक है। तो मैन इंटू डेज होता है कुल काम की मात्रा, टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा, 12 आदमी एक काम को 20 दिन में, तो 12 × 20 कर दीजिएगा, तो कुल काम पता चल गया कि कितना हो गया, कुल कार्य हो गया, कुल काम पता चल गया कि इतना काम है, ठीक है। इतना ही काम को कितने क्या करना है, इतना ही काम को 15 व्यक्ति से करवाना है, तो व्यक्ति से भाग दीजिएगा तो दिन की संख्या निकल जाएगा, दिन की संख्या निकल जाएगा, कुल काम में आदमी से भाग दीजिएगा तो दिन, और दिन से भाग दीजिएगा तो आदमी, तो 12 × 20 कुल काम है, 15 आदमी से करवाना है तो 15 से भाग दे दीजिए, दिन की संख्या पता चलेगा, 5 × 15 5 × 20, 3 × 4 = 16 दिन लगेगा, ठीक है 16 दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा 16, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है, तो 5 घंटे में कितनी बोतल भरेंगी। ध्यान दीजिएगा, 420 बोतल, देखिए 3 घंटा में कितना बोतल भरती है, 420 बोतल, तो 5 घंटा में का पूछ दिया है कि 5 घंटा में कितना भरेंगे, तो 420 बटा 3 कर दीजिएगा तो 1 घंटे का मान पता चल गया, 5 घंटे का मान निकलना है, तो 5 से गुना, 3 से कर जाएगा 14, 140 बार में 14 5 70 और 10, यानी कि 700 बोतलें भरेगी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपए में खरीदता है, तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेंगे। आसान क्वेश्चन है, देखिएगा, 20 आम खरीदा है, कितना में खरीदा है पता है, 89 रुपया, 89 रुपया में, तो पूछा है कि 36 आम खरीदने में उसे कितना रुपया लगेगा, ठीक है। 36 आम, देखिए 89 बट्टा 20 कर दिए, तो एक आम के मान पता चल गया, 36 का मान पता करना है, तो 36 से गुना कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ कट जाएगा, 2 से कटेगा 10 बार में 2 से कटेगा 18 बार में, 18 से गुना कीजिए, 18 × 89, 18 × 162, 18 से 16, 18 से 44, 16 160 160 लिख दिए, और 10 नीचा 10 है, ठीक है 10 है, 10 से भाग दीजिएगा तो 160 रुपया, 0 एक अंक बाद है तो एक अंक बाद बैठा दीजिए दशमलव, और इतना हो गया, मतलब इतना में 10 से भाग दीजिएगा तो इतना आएगा, यानी 160 रुपया 20 पैसा आपका आंसर हो गया, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्या कहता है, एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं, तो 1026 किलोग्राम चावल भरने में कितनी बोरियां लगेंगे। देखिएगा, एक बोरे में
एक बोरा में, बोरा की संख्या पूछ दिया है, ध्यान दीजिएगा, एक बोरा में कितना भर रहा है, 114 किलो, 114 केजी चावल जो है ना एक बोरा में भर रहा है, कितने बोरा में, एक बोरा में भर रहा है। तो आपसे पूछ लिया गया है कि 226 केजी चावल को भरना है तो कितने बोरे में भराएंगे, तो एक बट्टा 114 कर दिए तो एक केजी का मान पता चल गया, 226 का मान पता करना है तो 226 से भाग दे दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब काट दीजिए, तो 6 से कटने वाला है, देखिए 6 से कटिएगा, 6 एकम 6 और 6 नौ 54, 6 से कटिएगा, 6 एकम 6 4, 4 पर 2 42, 6 छक 36 42, तो 6 सत्तर 42 और 6 एकम 6 19 से कर जाएगा, 19 नवा 171, यानी कि 9 बोरा लगेगा, ठीक है, 9 बोरा, यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक मशीन 20 मिनट में 70 बोरे तैयार कर सकती है तो 26 मिनट में कितने बोरे तैयार करेंगे, ठीक है, एक मशीन 20 मिनट में 70 बोरे, 20 मिनट में कितने बोरे, 70 बोरे तैयार कर सकती है तो 26 मिनट के मान निकलना है, 26 मिनट में कितने बोरे तैयार करेंगे, ध्यान दीजिए 70 बट्टा 20 कर दिए तो एक मिनट का मान पता चल गया, 26 मिनट का निकलना है तो 26 से गुना कर दिए, 10 से 10 2 से कर देगा 13 बार में 13 सत्य 91 को बोरा तैयार करेगा, कितना 91, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दो पार्ट में यह वीडियो बनेगा, मात्र 17 क्वेश्चन है, दो पार्ट में बनाने के लिए सोचे हैं, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो और क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेकर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।